सिविल से चाहिए कोई भी जानकारी तो आज फिर है आपके साथ योगेश्वर तिवारी। मैं हूँ कॉरपोरेट ट्रेनर योगेश्वर तिवारी मध्य प्रदेश भोपाल ब्रांच से, और आज मैं अपने ट्रेनियों के साथ आया हूँ टाउनशिप लेआउट करने के लिए। तो टाउनशिप लेआउट का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा। जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, क्या चीज़ की प्लानिंग करते हैं, जहाँ पे हम पहले रोड की प्लानिंग करते हैं, प्लॉट्स की प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे हमारा कौन से साइज का कैसा प्लॉट होने वाला है, हम इलेक्ट्रिकल पोल्स की प्लानिंग करते हैं। आप जैसे कि देख रहे होगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे घर बनते हुए देख रहे होगे, यहाँ पे जो रोड बना हुआ है देख रहे हो, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पे मेरा रोड होने वाला है और जहाँ पे मेरी क्या होने वाली है, प्लॉट्स होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल्स भी हमने प्लानिंग की थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल्स भी गड़ेंगे। फिर देन हमने क्या किया, प्लॉट्स को डिवाइड किया है ना। तो ये होता है टाउनशिप लेआउट। बेसिकली हम टाउनशिप लेआउट में क्या करते हैं कि हम पहले प्लानिंग करते हैं कि रोड कैसा होगा हमारा, प्लॉट्स कहाँ पे होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स कितने होने वाले हैं, ट्रीज कितने होने वाले हैं, तो दैट इज़ टाउनशिप लेआउट। ठीक है, तो आज मैं अपने ट्रेनियों के साथ आया हूँ टाउनशिप लेआउट परफॉर्म करने के लिए, और चलिए मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ कि आज उन्होंने क्या क्या कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है 2 मंथ की ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ पर हम आपको बताते हैं क्या, एक पूरा G+1 प्रोजेक्ट का कंप्लीट सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम 3 दिन लेआउट कराते हैं। टाउनशिप लेआउट होता है, सेंटर लाइन लेआउट होता है, जहाँ पे हम कॉलम ऑफ फुटिंग की मार्किंग करते हैं। फिर हमारा चालू होता है एस्टीमेशन। एस्टीमेशन में हम आपको पूरा कंप्लीट कहाँ से एक्सकीवेशन से लेके पूरे स्टेयर टावर तक का पूरा एस्टीमेशन करवाते हैं। देन फिर हमारा होता है सर्विंग। सर्विंग में हम आपको ऑटो लेवल कैसे सेट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे रीड किया जाता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। देन फिर टाइप ऑफ लेवलिंग पढ़ते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल लेवलिंग है ना, उसमें कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, HI मेथड है, राइस एंड फॉल मेथड है, कैसे कंटूरिंग के माध्यम से बिल्डिंग का हम कैसे मतलब उसको लैंड का सर्वे करते हैं, हम कैसे बिल्डिंग को पहले एग्जीक्यूट करने से पहले, तो ये हम सर्वेइंग में आपको बताते हैं। ठीक है, और प्लस हम हाईवे के लिए क्या लेवलिंग परफॉर्म करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग, तो वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ सर्वेइंग। फिर देन हम आपको ऑटो कैड में हम आपको पूरा कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग बनाना सीखते हैं। किसी भी म्यूनिसिपलिटी में सबमिशन ड्राइंग जमा करना होता है फॉर NOC, दैट मीन्स बिल्डिंग परमिशन के लिए। ठीक है, तो ये ऑटो कैड हो गया। फिर देन हम यहाँ पे बिलिंग की भी बात करते हैं, यहाँ पे हम गवर्नमेंट बिलिंग भी पढ़ेंगे और प्राइवेट बिलिंग, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उनके हम प्राइवेट बिल बनाते हैं। ठीक है, उनका एक अलग फॉर्मेट होता है, तो हम उसकी भी बात करते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट बिलिंग जैसे कि शेड्यूल ऑफ रेट, हर स्टेट का अलग अलग शेड्यूल ऑफ रेट होता है, तो हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं डेली शेड्यूल ऑफ रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर एस्टिमेशन उसके बाद हमको कॉस्टिंग भी तो करना होता है, तो जब तक आपको क्लॉज पढ़ना नहीं आएगा तो आप कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़, कैसे आप उस क्वांटिटी को उसके रेट से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट उसका अमाउंट निकाल पाओगे, व्हाट इज़ कंटिंजेंसी चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये सब बात हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो चलो मैं आपको बिना देरी के अपने ट्रेनीज के पास लेके चलता हूँ, क्योंकि आज मेरे ट्रेनीज ने परफॉर्म किया है टाउनशिप लेआउट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा है, ये रोड है, ये रोड जा रहा है, देख रहे होंगे आप है ना, और ये हमारी प्लॉट्स कटी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल्स है। तो मैंने आज क्या किया, यहाँ पे इनको एक प्लॉट दिया है, ठीक है, जिसका इन्होंने एक लेआउट परफॉर्म किया हुआ है। तो ये लेआउट इन्होंने कौन कौन से मेथड का यूज़ किया है, कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम अपने ट्रेनियों से ही सुनवाएंगे आपको। ठीक है, क्या हाल है, ठीक है, आइए यहाँ पे सब कलेक्ट हो जाइए। तो सबसे पहले मैं इनसे स्टार्ट करूँगा, तो क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो सत्येंद्र, आपका कौन सा दिन है? जी मेरा दूसरा दिन है। दूसरा दिन है, तो पहले दिन अपन क्या पढ़े थे सत्येंद्र? तो पहले दिन हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा पूरा, हाँ? कैसे मेजरिंग टेप में कौन सी यूनिट कैसे नापते हैं साइट पर जाके, हाँ? उसके बाद हमने टाउनशिप लेआउट का देखा, हाँ? कि प्रॉपर लेआउट कैसे लेते हैं, मेन रोड का रेफरेंस कैसे लेते हैं, हाँ? और वो वाइडनिंग के लिए कितनी जगह छोड़नी रहती है, फ्यूचर के लिए। मतलब गवर्नमेंट कभी भी क्या होता है ना, हम जब घर बनाते हैं तो क्या है, कभी भी हम लोग एग्जैक्ट रोड से चिपका के नहीं बनाते, हमको क्या होता है फॉर फ्यूचर वाइडनिंग या ड्रेनेज पर्पस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। यही बात है सत्येंद्र जी? सर ठीक है, तो बेसिकली आज हमने क्या किया है सर, आज हमने जो कल क्लास में पढ़ा था टाउनशिप लेआउट का और ये यूनिट मेजरमेंट वगैरह, हाँ, पूरा अपने आज फील्ड में आज प्रैक्टिकल किया है। पहले हमने मेजरिंग टेप से सारे जो आउटर बाउंड्री नाप ली थी टाउनशिप की पूरी, हाँ, फिर उसको प्रॉपर
डायगोनली मेथड से, टू थ्री मेथड या पाइथागोरस मेथड, टू थ्री नहीं सते, थ्री फोर फाइव मेथड, थ्री फोर फाइव फाइव मेथड, ठीक है। और क्या क्या मेथड बताया हमने? थ्री फोर फाइव मेथड, डायगोनल मेथड, गुनिया मेथड, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअल में हम लोग विदाउट पाइथागोरस थ्योरम क्या हम ये कर सकते थे? डायगोनल हम उसका हाइपोटेनियस क्या निकाल सकते थे क्या? तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही तो हाइपोटेनियस निकाला, दैट मीन्स वही तो हमारा डायगोनल है। यस और नो? ठीक है, तो ठीक है सतीन, आप थोड़ा सा बताएंगे क्या ड्राइंग के माध्यम से मेरे को आज क्या क्या, मतलब मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं आपको, जी सर, ठीक है, आपको उनको बताना है कि सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में क्या ट्रेनिंग कराते हैं हम, ठीक है, क्या वो आप फील किए क्या आज आप यहाँ पे कि क्या मैं ग्राउंड की कोई मुझे ड्राइंग देगा तो लेआउट कर पाऊंगा क्या मैं करके, तो ये क्या हम प्रैक्टिकल फील कर पा रहे हैं ना यहाँ पे ग्राउंड पे आके, ठीक है, तो बताओ आप मुझे कि आज क्या किए। पहले तो हमको एक टाउनशिप का जो रोड रहता है उसका रेफरेंस लेना होगा। एक मिनट सतेन, पहले अब मैं बोलूंगा सर आप पहले ड्रॉइंग दिखाए हमारी, ठीक है, अब आप इस ड्रॉइंग को आप बोलते रहे आप ड्रॉइंग दिखाए। सबसे पहले हमको एक टाउनशिप का जो मेन रोड है उससे हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद हमको 4 मीटर रोड फ्यूचर रोड वाइडनिंग के लिए या ड्रेनेज पर्पस के लिए छोड़ना रहेगा, ठीक है, उसके बाद हम ये रेफरेंस लाइन से अपने प्लॉट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम पीछे के पीछे की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम गुनिया मेथड से या 3-4-5 मेथड से उसको चेक करके उसका टोटल लेआउट बना लेंगे, ठीक है सत्यन जी। सर तो जैसे कि हमारे सत्यन ने बताया, थोड़ा ब्रीफ दिया आपको, ठीक है, और दूसरे ट्रेनिंग से मिलवाता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो क्या नाम है आपका? मंदीप करमाली। मंदीप करमाली नाम है, कहाँ से हो मंदीप? झारखंड। झारखंड से हो, तो मंदीप क्या एम लेके आया उस सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में आप? सर यही कि जितने भी थ्योरीज मैंने सीखी है कॉलेज लाइफ में वो सबको प्रैक्टिकली फील करना, उसको प्रैक्टिकली करना ताकि मेरी करियर अप्रोच के लिए वो सबसे बेस्ट रहे, ठीक है, तो ये आप एम लेके आए हो, है ना। तो कल हम लोग का मंदीप पहला क्लास था यूनिट कन्वर्जन, तो कैसा रहा आपका पहला क्लास यूनिट कन्वर्जन? मैंने ही पढ़ा है बट मैं आपसे रिव्यू लूँगा। यस सर, एक्चुअली सर मैंने जब कल आपसे पढ़ा, मैंने पढ़ा पहले भी था पर कल सर ऐसा वो फील हुआ मुझे कि सच में मैंने पढ़ा, हाँ। और मैं आज मुझे दिक्कत नहीं हो रही, आज मैं प्रैक्टिकली जब इस फील्ड पे आया हूँ तो मुझे कहीं भी इंची मीटर टेप से भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, मैं टेप पे पढ़ पा रहा हूँ कि किसे मीटर कहते हैं किसे फीट कहते हैं। तो एक बात बताओ मंदीप, टेप रीडिंग करना या यूनिट कन्वर्जन करना कितना इंपॉर्टेंट है हम सिविल इंजीनियर्स? सर बेसिकली सर ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप फील्ड पे जाओगे आपको जब लेबर से काम करवाना होगा वो आपको जो ड्राइंग मिलेगी कि आप यहाँ देखो आपको ये मीटर में दिया हुआ है, अब यहाँ देखो आपको ये मीटर में दिया, पर ये ज़रूरी नहीं कि जो इंजीनियर आपको जो सीनियर इंजीनियर है वो आपको ड्राइंग मीटर में दे, हो सके वो सेंटीमीटर में दे, हो सके वो फीट में दे, तो हमें वो कन्वर्ट करके हमें वो लेबर्स को बताना होता है कि आपको इतने का लेआउट करना, तो यूनिट कन्वर्जन तो ये बेसिक है, हर इंजीनियर को ये आना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो हमारे इंजीनियर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जब हमने कल यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया, और आज प्रेजेंटेशन किनका था? आज प्रेजेंटेशन, अच्छा हमारे कैमरामैन का प्रेजेंटेशन था, जो ऑलरेडी हमारा कैमरा बना रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हमारा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है मंदीप कोई बात नहीं। तो मंदीप आज हमारा कौन सा दिन है? आज हमारा दूसरा दिन है। तो मंदीप आज अपन क्या किए आज आप यहाँ पे? आज हमने बेसिकली टाउनशिप लेआउट किए सर। टाउनशिप लेआउट किया जी। तो मंदीप थोड़ा सा स्टार्टिंग से पूरा बता पाओगे क्या ये क्या क्या किया हमने कैसे कैसे किया? ठीक है, थोड़ा सा ट्रेनिंग आप लोग हेल्प करेंगे क्या इनकी? ठीक है, तो आओ यार थोड़ा सा ट्रेन, आप लोग टेप ड्राइंग्स रख दो और टेप लेके आओ, ठीक है, आ जाओ, तो लाओ मंदीप मुझे ड्राइंग दे दो सर, ठीक है, हाँ ठीक है, आप पहले एक्सप्लेन कर दो। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये एक जो टाउनशिप लेआउट है इसकी लेआउट करनी है, मतलब इसकी मेजरमेंट हमें करनी है, ठीक है, तो हमने जैसे कहा कि हमें 4 मीटर जगह छोड़नी है रोड से फ्यूचर के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए कोई भी काम के लिए, ठीक है, तो आप ये आप ये रोड देख रहे होगे, हमने इस रोड से रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो हमने इस रोड से एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, ठीक है, उस रेफरेंस हमने इस यहाँ से अच्छा अपना मान लो कि ये आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, आप यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लगाओगे, ठीक है, अब इसके बाद ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये आपका फिक्स्ड रहेगा, ये हिलेगा नहीं। अब जैसा कि हमें ड्राइंग मिली है, हमें 6x9 का ये लेआउट करना है, तो हमें बेसिकली 12 मीटर लेंथ की हमें यहाँ से नापनी है, कि यहाँ से जब रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से हमें 12 मीटर लेंथ इधर नापनी है रोड, वो फिक्स रहेगी, वो आपको फिक्स रखनी है, वहाँ से आप 12 मीटर लेंथ इधर लाओ, तो
मंदिर, आप तो बोल रहे हैं 6x9 का प्लॉट है, लेकिन 12 मीटर क्यों ले रहे हैं? सर क्योंकि यहाँ पे आप, हाँ क्योंकि सर आप ड्राइंग, जैसे आप ड्राइंग देख सकते हो, हाँ? सर ये 6x9 आपके एक मतलब इनर टाउनशिप के जो अंदर है, हाँ? उसका प्लॉट है, हाँ? पर सर हमें टाउन में लेआउट यहाँ से पूरे यहाँ तक करनी है। तो ये आपका टोटल 2 प्लॉट हुआ ना मंदीप? सर जी सर 2 प्लॉट हुआ, हाँ, दो, तभी तो आप कितना ले रहे हैं? हाँ 12 12 ले रहे हैं, हाँ इसीलिए 12 मीटर ले रहे हैं, इसीलिए हम 12 मीटर ले रहे हैं, क्योंकि आप 2 प्लॉट को एक साथ, हाँ क्योंकि हमें बेसिकली जो आउटर लेआउट हम कर रहे हैं हमें उसका फ्रंट लाइन चाहिए, इसीलिए हम पूरे जो दो इनर जो दो क्या उसे बोलते हैं प्लॉट है उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं दोनों को, इसीलिए 6+6 12 मीटर हम ले रहे हैं। ठीक है मंदीप, आगे बताएं, ये आप लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 12 मीटर लेंथ दिखाने के बाद हम फिर से वह 12 मीटर दिखाने के बाद, हाँ ठीक है, यहाँ पे 12 मीटर ले लिया, अब 4 मीटर का आप क्या लिए थे? अब हमें रोड वाइडनिंग के लिए 4 मीटर छोड़नी थी, हाँ? तो हम उधर से वहाँ जो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से हम 4 मीटर लेंथ लेने वाले हैं। दिखाओ 4 मीटर कहाँ पे है, ठीक है, जीरो नहीं है इसका, जीरो आप टाइट करो, आप ऐसे ही मोड़ो मत उसको, आप छोड़ दीजिए टाइट करो, आप ऐसे ही पे टेप कोल कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे रख लो, ठीक है, ये अपना स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, ये चार, यहाँ पे अपना क्या हो गया, चार, तो यहाँ पे अपना ये क्या हो गया, चार मीटर हो गया। तो जैसा कि आपने आप देख सकते हो कि हमने ये 4 मीटर लेंथ ले लिया फॉर रोड वाइंडिंग, ये रेफरेंस लाइन है, ये हमारी अभी फ्रंट लाइन नहीं है लेआउट की, अब हम सेम उसी तरह वहाँ भी उधर भी करेंगे, 4 मीटर की लेंथ उधर भी डालेंगे। तो मंदीप हमने तो ये नेल्स निकाल दिए, आपने जो ये है नेल्स तो निकाल दिए, तो अभी तो ये वाली चीज आप परफॉर्म करके नहीं दिखा पाओगे अभी तो नहीं, लेकिन जो की नेल्स आपकी गड़ी हुई है जो एक्चुअल प्लॉट की, कितनी प्लॉट की अब क्या है, आपने साइज क्या है प्लॉट की? सर ये 12x18 12x18 की है, तो हम इसको तो दिखा सकते हैं ना टेप में करके, जी सर ठीक है, तो आप सीधा इसी को ही दिखा दो डायगोनल मिलवा के, मिलवाया ना आपने डायगोनल, ठीक है, तो ये आप ये करवाइए, ठीक है, चलिए जाइए ट्रेनिस मदद कर, आप देख सकते हैं हमने ये एक्चुअली प्लॉट कंप्लीट प्लॉटिंग कर चुकी है, तो आप देख सकते हो कि ये 12x18 का हमारा ये बना हुआ, तो आप इसे नाप के दिखा दो, यहाँ से ये 12 आप दिखा दो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो फ्रंट लाइन निकाली है वो हमारी 12 मीटर की, और यहाँ भी एग्जैक्ट 12 मीटर ही आपको मिल रहा है, उसी तरह से अगर आप वर्टिकल में जाओगे तो आपको वहाँ भी 18 मीटर का ही लेंथ मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ वर्टिकल में भी हमारे 18 मीटर का हमें लेंथ मिल रहा है, तो ये थी हमारी फ्रंट लाइन लेआउट जो हमने आज परफॉर्म किया। तो जैसे कि मंदीप ने अभी सिर्फ डायमेंशन चेक करवाया है 12 और 18, मंदीप आपने डायगोनल नहीं मिलवाया, हाँ मिलवा तो ठीक है, तो अभी मिलवाओगे तो सबसे पहले डायगोनल मिलाने से पहले आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा, तो कैसे तो निकालेंगे आप मेरे व्यूवर्स को बताओ, डायगोनल निकालने का सबसे फेमस तरीका जिसका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बेसिकली हमने अभी जो आपको लेंथ दिखाई वो बेस की स्क्वायर थी 12 मीटर और जो परपेंडिकुलर की स्क्वायर थी वो थी 18 मीटर, तो अगर हम इस फॉर्मूले से अगर हम डायगोनल निकालें तो हमारा डायगोनल कुछ आएगा 21.63 मीटर कुछ हमारा डायगोनल आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो मंदीप जी आपको चेक करवाएंगे यहाँ पे, जी जैसा मैंने आपको कहा था कि 21.6 मीटर डायगोनल आपका आएगा, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 21.63 तो एक बार आप दिखाएंगे क्या व्यूअर को 21 देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारा 21, तो ये है हमारा 6 आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आगे दिखाएंगे क्या आप कैमरे को, तो ये यहाँ पे 21 पे दिखाओ थोड़ा सा, ये है हमारा 21 ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1 2 3 एंड यही हमारा जो डायगोनल था जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था, तो आप देख सकते हैं हमारी प्लॉटिंग में कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है क्योंकि तो हमारा डायगोनल बराबर मैच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरे ट्रेनीज मंदीप ने बहुत बढ़िया आपको डायगोनल बताया,
सत्येंद्र आप इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ट्रेनीज ने आपको बताया कि बहुत बढ़िया, देखो कितना डायगोनल उन्होंने मिलाया है, ठीक है। मैं और दूसरे ट्रेनी से मिलवाता हूँ, तो आप आइए इधर, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंसूर नाम है। मंसूर कहाँ से हो? लद्दाख से हूँ। लद्दाख से भोपाल में कैसे? सर ट्रेनिंग करना था। हाँ, तो फिर मैंने भोपाल ब्रांच चुना। अच्छा, भोपाल ब्रांच चुना आपने, मनदीप, सबसे बढ़िया। अच्छा, एक बात बताएं मंसूर, क्या लद्दाख में ऐसा कुछ ट्रेनिंग है क्या? ऐसा तो नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। तो पूरे भारत में अपने को सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ये ट्रेनिंग देती है। जी जी सर, बिल्कुल। जी सर, तो आपने आज कौन सा दिन है मंसूर आपका? क्या दूसरा दिन है। दूसरा दिन है, तो क्या एम लेके आए हो मंसूर बेसिकली आप? अच्छा, आपका क्या बी टेक हो, एम टेक हो, क्या क्या एजुकेशन है आपका? जी मेरा एम टेक है सर। एम टेक किससे है? टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सर। अच्छा, मैनेजमेंट में आपका, कहाँ से किया है? सर मेवाड़ यूनिवर्सिटी सर। मेवाड़ यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। हमने बी टेक भी कर लिया, एम टेक भी कर लिया। क्या ग्राउंड की नॉलेज कहीं भी मिली क्या हमको कॉलेज वगैरह में? जैसे कि आज हम दो दिन में सीखे, मतलब उतना नहीं सीख पाए सर, और कॉलेज। हाँ, तो मतलब क्या ये कभी ये लेआउट के बारे में या पाइथागोरस, गुनिया, 3-4 ये सब मेथड की कभी बात करती है क्या कॉलेज? इसमें सर सब बात करती नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं करती नहीं, है ना। मतलब अभी तक आपका दो ही दिन हुआ है यहाँ पे, और दोनों दिन कुछ नया ही सिखाने को मिला होगा मेरे ख्याल से, या सीखने को मिला होगा। जी सर, बिल्कुल सर। पता नहीं था कि यूनिट कन्वर्जन मेथड, गुनिया मेथड या 2-3-4 मेथड, ये बिल्कुल पता नहीं था। और टाउनशिप और पता था, लेकिन पता नहीं था कि करना कैसे, करना कैसे, ठीक है। तो अपने लद्दाख के भाषा में अपने लद्दाख के इंजीनियर्स को कुछ कहना चाहेंगे क्या आप अपने भाषा में, कि क्या सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से क्या ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पहले आप अपने लद्दाख से भाइयों को बोलो, इंजीनियर्स को। बस पहला ना एंट्रांस होगा तो अभी इंजीनियरिंग फील में उतना प्रैक्टिकल नॉलेज क्वेश्चन ना, तो सिविल गुरुजी बस बेहतर से गाँव घर हम चीन प्रैक्टिकल थ्योरी है चला आता हूँ। ओवरऑल पता चल कि हमें एक्चुअली इंजीनियरिंग में करना क्या होता है, ठीक है। वैसे मंसूर ने क्या बोला हमें भी समझ तो नहीं आया है, बट कुछ अच्छा ही बोला है मंसूर ने, ठीक है। तो लद्दाख वालों आपको बताना है कि मंसूर ने हमको क्या बोला है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है मंसूर, कैसा रहा मतलब आज का, हमने क्या परफॉर्म कर रहे थे आज अपन? आज हम कह रहे सर टाउनशिप लेआउट कर रहे हैं सर। टाउनशिप में क्या था कि इसमें हमें पूरे टाउन को बसाना है इधर, तो फिर हम सबसे पहले तो इसमें हम ऑटोकैड में ड्राइंग बनाएंगे, इसके बाद हम फील्ड में आएंगे। फील्ड में हम आएंगे कि इनके लेआउट कैसे बनाएंगे, इसमें हम टाउन कैसे बसाएंगे, रोड कहाँ देंगे, ड्राइंग में लिखेंगे। इसके बाद हम फील्ड में आके, जैसे अभी हम हमारे भाई दोस्त ने बताया कि लेआउट कैसे करना है, दुनिया कैसे निकालना है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है मंसूर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं अपने नेक्स्ट ट्रेनी से मिलवाऊंगा, ठीक है। मंसूर आप कैमरा ले, फिर से हमारा कैमरामैन बने, क्योंकि इन ट्रेनीज को भी बुलाना है नेक्स्ट, ठीक है। आप ले लीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है। हाँ, और मैं छिंदवाड़ा जिला। अच्छा, मतलब आप लोकल यही, ठीक है। क्या एजुकेशन रही है आपकी सुबह? सर मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करा है और अपना बीटेक अभी मई 2024 में ही कंप्लीट किया। ओके, तो अभी हमारा कौन सा दिन है शुभम? सर आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरा दिन है, तो शुभम कुछ नया सीख रहे हैं या लग रहा है क्या, कुछ जो एम लेके सिविल गुरुजी में आप आए थे वो थोड़ा बहुत मतलब मिल रहा है कि नहीं वो चीज़ सिविल गुरुजी? सर बेसिकली बात ये है कि हम जब कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो हमें पूरी थ्योरी नॉलेज दी जाती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अभी उतना अच्छा नहीं रहा है। इस वजह से मुझे कुछ अपने अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज की कुछ कमी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर आना सही समझा और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे बहुत सारी, कल के दिन, कल पहला दिन, आज दूसरे दिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो कि हमें कॉलेज में नहीं बताई गई थी, और जो कि हमें प्रैक्टिकली कि सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो मैं कोशिश करेंगे हम कि पूरे दो मंथ में आपको जो आप अपना एम लेके आए हो वो हम वो चीज़ आपको प्रोवाइड करें, वैसा कंटेंट दें कि आप दो मंथ के बाद जो आपने अचीव करना चाहते हो वो आपको फुलफिल हो, ठीक है। चलो धन्यवाद आपका शुभम बहुत बहुत। अब मैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग को बुलाऊंगा, ठीक है। तो क्या नाम है आपका? खारून निशा नाम है। कहाँ से हो? लद्दाख से। तो हमारे ये सेकंड है लद्दाख के इंजीनियर, ठीक है। तो बताइए खारून निशा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा,
करना। तो क्या एजुकेशन क्या है आपका? बीटेक हो गया, एमटेक भी हो गया। अच्छा, एमटेक के लिए कहाँ? भोपाल के लिए है। कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं एमटेक? कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। चलो हम कोशिश करेंगे कि 2 मंथ में ही आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट करवा दें यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप जैसे ही एमटेक करके निकले तो सीधा जॉब में रहें आप, है ना, ठीक है। चलो धन्यवाद आपका। तो ओके, यहाँ पे मैंने अपने अपने ट्रेनियों से आपको मिलवाया, उन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी इन ट्रेनियों को और मैं बुलाऊंगा, अभी ये डेली आपको प्रेजेंटेशन भी करते हुए दिखने वाले हैं आपको। तो भोपाल वालों, देरी मत करो। अगर आप घर में बैठ के सोच रहे होगे कुछ हो जाने वाला है तो कुछ नहीं वाला है, ग्राउंड पे आके परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेनिंग परफॉर्म करना है या ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। यहाँ पे आपको अभी 65% का डिस्काउंट मिल रहा है। हम यहाँ पे आपसे पहले 35% ही लेते हैं और 65% आफ्टर प्लेसमेंट रहते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।